25 नवंबर को न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स सेरेमनी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉक। एमी को टीवी का ऑस्कर कहा जाता है। वैसे तो एमी के कई ब्रांच हैं, जैसे प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, डे टाइम एमी अवार्ड्स और इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। प्राइम टाइम और डे टाइम अवार्ड्स का लेना देना सिर्फ अमेरिका में बने शोज से है। हमारा मतलब जिस चीज़ से है वो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। इसमें अमेरिका से बाहर दुनिया के किसी भी हिस्से में बनी टीवी या वेब सीरीज को अवार्ड दिया जाता है। इंडिया वालों की इस बार एमी पर खास नज़र थी, दिलचस्पी भी थी, क्योंकि इस बार इंडिया से जुड़े 4 प्रोग्राम यहाँ नॉमिनेट हुए थे। साथ में एक बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन भी था। एमी अवार्ड्स में शामिल होने पहुंची जो नॉमिनेटेड इंडियन टीम थी उसकी फोटो ये रही। 4 में से एक भी अवार्ड इंडियन शोज को नहीं मिला, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यहाँ भी बाजी मार ली। नवाज की ब्रिटिश सीरीज मैक माफिया को बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला। मैक माफिया जर्नलिस्ट मिशा ग्लेनी की नॉन फिक्शन किताब मैक माफिया अ जर्नी थ्रू द ग्लोबल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड है। मैक माफिया की कहानी है मॉडर्न रशियन गैंगस्टर्स की। सीरीज में ये दिखाया गया है कि वक्त के साथ रशियन गैंगस्टर्स के सोचने, ऑपरेट करने, बदला लेने, फंड्स इकट्ठा करने और उसको इन्वेस्ट करने का तरीका बदल कर कितना ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। कहानी का नायक है एक रशियन क्रिमिनल एलेक्सी सेरेब्रिकोव का बेटा एलेक्स गॉडमैन। एलेक्स लंदन में ही पला बड़ा है और उसका अपना खानदानी धंधे से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो लंदन में ही एक बैंकर की नौकरी करता है और अपनी अमेरिकी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। सीरीज का विलन है वादिम, जो पर्सनल वजहों से पूरी गॉडमैन खानदान को खत्म करने पर तुला हुआ है। वादिम से बचने के लिए एलेक्स अपनी जान पहचान के लोगों की मदद लेता है। इसमें उसके इन्वेस्टर, क्लाइंट से लेकर बिजनेस पार्टनर तक शामिल होते हैं। यही सीन में आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज का किरदार दिली महमूद नाम के एक गैंग लीडर का था, जो अपने गलत धंधे की कमाई से बिजनेस करता है। ये 8 एपिसोड की सीरीज थी, जिसे 1 जनवरी 2018 को BBC इंग्लैंड और AMC अमेरिका टीवी चैनल्स पर प्रीमियर किया गया। अगर इंडिया में आपने ये वाली सीरीज देखनी है तो Amazon प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है। 47वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में कुल 21 देशों से 11 कैटेगरीज में 44 टीवी प्रोग्राम नॉमिनेटेड थे। इसमें सबसे बड़ा अवार्ड जीता मैक माफिया ने। मैक माफिया के साथ ही बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी में नवाज की दूसरी सीरीज यानी सेक्रेट गेम्स भी नॉमिनेटेड थी। इंडिया से नेटफ्लिक्स फिल्म लव स्टोरीज को बेस्ट टीवी मूवी या मिनी सीरीज सेक्शन में नॉमिनेशन मिला था, लेकिन ये अवार्ड जीता ऑस्ट्रेलियन टीवी मूवी सेफ हार्बर ने। लव स्टोरीज के लिए ही राधिका आप्टे को बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। राधिका को पछाड़ कर हंगरी की टीवी मूवी ओरोक टेल के लिए ये अवार्ड जीता मरीना गैरा ने। बेस्ट नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट में जो द रिमिक्स था उसका नॉमिनेशन हुआ, लेकिन वो अवार्ड गया द रियल फुल मॉन्टी लेडीज नाइट को। आखिरी नॉमिनेशन था इंडियाज फॉरबिडन लव बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में। ये अवार्ड बेलिंग कैट ट्रूथ इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड को मिला। मैक माफिया को जेम्स वॉटकिंस ने डायरेक्ट किया था। ब्रिटिश सीरीज में अपनी कास्टिंग के बारे में बात करते हुए नवाज ने बताया कि जेम्स उन्हें गैंग्स ऑफ वसेपुर के टाइम से ही फॉलो कर रहे थे। फिर उन्होंने नवाज की मिस लवली और द लंच बॉक्स देखी, इसके बाद अपनी सीरीज में उनको कास्ट किया। जेम्स वॉटकिंस अनुभवी डायरेक्टर हैं। वो इससे पहले ईडन लेक, द वुमन इन ब्लैक और ब्लैक मिरर जैसी सीरीज डायरेक्ट कर चुके हैं। ये खबर यहीं तक। बाकी सिनेमा जगत की और भी कोई खबरें आप जानना चाहते हैं तो आपको सब ललन टॉप पर मिल जाएंगी। फॉलो करते रहिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कर लीजिए, और हमारी 10 मिलियन की यूट्यूब फैमिली का हिस्सा भी अगर नहीं बने तो सब्सक्राइबर बनिए। छोटा सा बेल आइकन है, उसे प्रेस करेंगे ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया।